कौन कालिया? ये आग मेरी तरफ से तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान है शानी सेठ। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कैदी नंबर 602 हाजिर है। मैं तो एक ऐसे मकाम पे पहुंच गया हूँ जहाँ मेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे आदमी से मिल रही हूँ। ये कालिया कौन है? मैं वही कल्लू हूँ जिसे तुमने कालिया बनाया। 1981 में रिलीज्ड टीनू आनंद निर्देशित फिल्म कालिया का किरदार पहले धर्मेंद्र को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। ये जानते हुए कि धर्मेंद्र अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, टीनू आनंद ने विनोद खन्ना को लेने का विचार किया। लेकिन उन दिनों विनोद खन्ना फिल्मी दुनिया को अचानक अलविदा कहते हुए रजनीश के आश्रम में जाने का मन बना लिए थे। बेशक ये भी सुनने में आया था कि जब से अमिताभ बच्चन डॉन की फिल्म के शूटिंग में व्यस्त थे, तब से टीनू आनंद कालिया फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें सुनाने के लिए अमिताभ बच्चन का पीछा करते रहे। टीनू कालिया का स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को सुनाने के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में उनका पीछा करते रहे। उस समय अमिताभ बच्चन अपने स्टारडॉम के शिखर पर थे। अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम या बिजी शेड्यूल्स के कारण वो टीनू आनंद से कहते थे कि वो स्क्रिप्ट आज नहीं बल्कि अगले दिन सुन पाएंगे। टीनू आनंद अपने पेशेंस या धैर्य का इम्तिहान देते रहे। अमिताभ बच्चन के पीछे कालिया के स्क्रिप्ट लेके लगभग एक साल घूमने के बाद टीनू आनंद की तपस्या आखिरकार सफल हो गया। डॉन फिल्म के सेट पर टीनू ने अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर उन्हें फिल्म कालिया के स्क्रिप्ट बड़े विस्तार से सुनाए। पूरी स्क्रिप्ट ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनने के बाद अमिताभ बच्चन कुछ देर के लिए खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद टीनू आनंद चुप्पी तोड़ते हुए अमिताभ बच्चन से कहते हैं, आपको ये स्क्रिप्ट पसंद है, ये बात मुझे अपने शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको कहानी और स्क्रिप्ट दोनों ही बहुत पसंद है। हैरान होकर अमिताभ ने टीनू आनंद से पूछा कि आप कैसे समझ गए कि ये स्क्रिप्ट मुझे पसंद है? टीनू आनंद ने तब जवाब दिया कि कुछ लोगों से मैंने सुना था कि अगर अमिताभ बच्चन स्क्रिप्ट या कहानी सुनते हुए बार बार आसमान की ओर देखते रहे और कभी कभार अपने बालों के अंदर हाथ घुमाते रहे, तो ये समझना चाहिए कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया और वो इस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट करने वाले हैं। लेकिन जब तक मैंने आपके सामने ये स्क्रिप्ट को पढ़ी, तब तक ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ। टीनू आनंद के इस आत्मविश्वास और अंदाज से अमिताभ बच्चन काफ़ी प्रभावित हुए, खुश हुए और फिल्म कालिया का प्रोजेक्ट में साइन कर दिए। कालिया फिल्म का एक डायलॉग हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है बहुत फेमस हुआ। ये डायलॉग आज भी बहुत फेमस है, लेकिन सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन ने बाद में ये डायलॉग बोले थे। माचो मैन बॉब क्रिस्टो ने इस डायलॉग को सीन में अमिताभ से पहले बोला था। राहुल देव बर्मन के धुन पर कालिया फिल्म के सारे गाने बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और ये गाने आज भी बहुत लोकप्रिय है। दिलचस्प बात यह है कि कालिया फिल्म का एक गाना जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझको खबर है, उस वक्त अमिताभ की एक और सुपरहिट फिल्म नमक हलाल के गाने के लिए बिछाए सेट पर समय और पैसे दोनों बचाने के लिए शूट किया गया था। टीनू आनंद ने एक इंटरव्यू में कहा, अमिताभ बच्चन और अमजद खान दोनों जब कालिया के शूटिंग कर रहे थे तब वो अपने अपने प्रसिद्धि के शिखर पर थे। फिल्म में दोनों के एक साथ ढेर सारे सीन्स थे, लेकिन अमिताभ और अमजद दोनों इतने व्यस्त कलाकार थे कि उनका डेट्स एक साथ मिलना
बहुत मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने पहले अमजद खान का बॉडी डबल का इस्तेमाल करके अमिताभ बच्चन के सारे सीन्स के शूटिंग फरवरी के महीने कर लिए। इसके कुछ महीने बाद जून में अमिताभ बच्चन का बॉडी डबल इस्तेमाल करके अमजद खान का शूटिंग किया गया। सत्यजीत रॉय ने मुझे ये तकनीक इतना बढ़िया तरह से सिखाए थे कि फिल्म देखते वक्त दर्शकों को ये पता ही नहीं चला कि सीक्वेंस में दोनों फेस टू फेस साथ नहीं है, एक दूसरे का बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ साथ प्राण साहब के जेलर का किरदार भी काफ़ी दमदार था। प्राण साहब कालिया में एक कठोर पुलिस अधिकारी के भूमिका में लगभग अमिताभ बच्चन के बराबर का स्क्रीन और स्पेस साझा किया। ये जेलर या पुलिस कर्मी का रोल निभाने का ऑफर सबसे पहले संजीव कुमार को दिया गया था, वो राजी भी हुए थे, लेकिन टीनू आनंद के साथ कुछ बातों पर ईगो प्रॉब्लम शुरू हो जाने से संजीव कुमार ने ये किरदार छोड़ दिया। टीनू के पिता इंदरराज आनंद द्वारा लिखित कालिया फिल्म का एक डायलॉग, तू आतिशे दोजक से डराता है जिन्हें वो आग को पी जाते हैं पानी करके, इसे फिल्म में ऐसे जगह पे टीनू आनंद इस्तेमाल कर रहे थे जहां अमिताभ बच्चन संतुष्ट नहीं थे। टीनू आनंद द्वारा निर्देशित पहली फिल्म दुनिया मेरी जेब में बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, तो इसलिए अमिताभ बच्चन ने सोचा कि वो टीनू आनंद पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि बतौर निर्देशक ये टीनू आनंद का दूसरी फिल्म है। जब दोनों के बीच मतभेद ऐसी जगह पहुंच गई कि अमिताभ कह देते हैं कि वो इस फिल्म छोड़ देंगे, तब गुस्साए हुए टीनू आनंद ने भी कहा तब छोड़ दीजिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक प्रोफेशनल अदाकार थे और उन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहा जाता था, इसलिए आखिरकार उन्होंने ही टीनू आनंद की बात मान ली। मगर उन्होंने टीनू से कहा, आप इस डायलॉग का इस्तेमाल फिल्म के जिस जगह कर रहे हैं, अगर वहाँ ये डायलॉग दर्शकों को पसंद आ गया तो मैं एक्टिंग ही छोड़ दूंगा। कालिया रिलीज होने के बाद जब पर्दे पे वो सीन दिखाया गया और वो डायलॉग बोला गया तो थिएटर हॉल के अंदर तालियों के बारिश हो गई, मगर अमिताभ बच्चन एक्टिंग नहीं छोड़े। कालिया फिल्म के सारे गाने के धुन बनाए थे राहुल देव बर्मन, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, जब से तुमको देखा देखा ही करते हैं, सनम तुम जहां मेरा दिल वहां, और मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ में कौन किसी को बांध सका सयाद तो एक दीवाना है, ये सारे गाने बहुत ही लाजवाब हैं।